हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो के नीचे लाल अक्षर में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन पास की। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं पशुओं में संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम की। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। कृषि व पशुपालन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पशु रोगों से पशु को बचाना हमारा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि रोगों से पशुओं के उत्पादन व प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अतः पशुओं को इन रोगों से बचाना अति आवश्यक है और उसका प्रमुख उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण से लाभ, सर्वप्रथम तो यह है कि पशु रोगग्रस्त हो जाता है वह पशुपालक को उपचार होने वाले आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। कभी कभी पशु में रोगावस्था के दौरान ही कई प्रकार के विकार जैसे उत्पादन व शारीरिक अक्षमता में कमी, लंगड़ापन, श्वास रोग, गर्भपात आदि उत्पन्न हो जाया करते हैं। अतः पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि यह नियमित व उचित समय पर निम्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाएं, जैसे छड़ रोग, एंथ्रेक्स कहते हैं जिसे। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं तीव्र जबर, सांस लेने में तकलीफ, पेट दर्द, भोजन से अरुचि, खून के दस्त एवं मुंह, नाक व गुदा से काढ़ा निकलना, न जमने वाला कालापन लिए हुए रक्त स्राव का होना, पशु की मृत्यु 1-2 घंटे से 3-4 दिन में होती है। यह रोग बीमार पशुओं से मनुष्यों को भी हो सकता है। इस रोग से बचाव पशुओं का नियमित टीकाकरण करवाएं। एंथ्रेक्स स्पॉट वैक्सीन 3 माह से ऊपर के पशुओं में 1 मिलीलीटर प्रतिवर्ष लगाना चाहिए। रोगग्रस्त पशु को अलग बांधें तथा इसका इलाज करते वक्त दस्ताने, मास्क इत्यादि पहनें। मृत्यु होने की दशा में पोस्टमार्टम नहीं करें। पशु के मृत शरीर को जला दें या गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें और गाड़ने के पश्चात उसमें डाल दें। जानवर बांधने की जगह तथा उसके संपर्क में आई समस्त वस्तुओं का निर्जंतुकरण कर लें। पशु उत्पादकों का निर्जंतुकरण, एक्सरे रोग जिसे इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यह मनुष्यों व जानवरों में होने वाली एक छूत की बीमारी है। इसकी गठाने शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। यह रोग जानवरों से मनुष्यों में भी हो सकता है। इस बीमारी के लक्षण जानवरों में बाहर से पूर्णतः प्रदर्शित नहीं होते हैं। कुछ दिनों बाद जानवर कमजोर दिखने लगता है और चारा खाना बंद कर देता है। कभी बुखार तेज तो कभी कम हो जाता है। जानवर सुस्त व आलसी हो जाता है, परंतु उसकी आंखें चमकदार व जागरूक ही होती हैं। यदि कंठान फेफड़ों में बनती है तो जानवर के खांसी आती है। यदि जानवर थोड़ी सी मेहनत करे तो हाँफने व खांसने लगता है। जानवरों में गर्भाधान नहीं हो पाता है। थनों में सूजन आ जाती है तथा दूध सामान्य नहीं होता है। गर्भित जानवर से बीमारी बछड़े को भी हो सकती है। इस रोग से ग्रसित पशु का दूध पीने लायक नहीं होता है। रोग की रोकथाम के लिए बीमार जानवर को बाकी स्वस्थ जानवर से दूर रखना चाहिए। जानवरों की एवं उनके आसपास के स्थान की सफाई, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगला रोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गलघोंटू के बारे में, जिसे HS घट सर्प भी कहा जाता है। यह वर्षा ऋतु में होने वाला प्रमुख रोग है। जानवर पर काम का बोझ ज्यादा पड़ता है या जानवर भूखा रहता है तथा इस मौसम में उत्पन्न नए हरे चारे के तंतुओं जिसमें इस रोग के जीवाणु रहते हैं उन्हें पशु खा लेता है एवं बीमार हो जाता है। इसमें 1 या 2 दिन में ही पशु को तेज बुखार, भौंकने लगना, आलस्य, जोर जोर से सांस चलना, मुंह से लार आना और आंखों में सूजन आना प्रमुख।
आंखें लाल भी हो जाती हैं। बस उसके गले एवं छाती बाहर निकल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होती है। जीव ठीक से नहीं ले पाता है और गले से घर घर की आवाज़ आती है, जो कि लगभग 100 फीट दूर से भी सुनाई देती है। जानवर की कुछ घंटों में ही मृत्यु रहती है। गलघोंटू से बचाव हेतु पशुओं का प्रत्येक वर्ष टीकाकरण करवाना जरूरी है। घटसर्प तेल मिश्रित टीका HS ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन मात्रा हो 135 किलो तक के शारीरिक भार वाले पशुओं में 2 मिलीलीटर तथा उससे अधिक शारीरिक भार वाले पशुओं में 3 मिलीलीटर अंत मांसपेशियां में प्रतिवर्ष लगाना चाहिए। घटसर्प घटसर्प फिटक्री मिश्रित टीका मात्रा बड़े पशुओं में 10 मिलीलीटर तथा छोटे पशुओं में 5 मिलीलीटर अंत तलचा में प्रति 6 माह में लगाया जाता है। पशुओं की वो बारिश तेज ठंड से बचाना चाहिए। गलघोंटू का संक्रमण रोकने हेतु रोगग्रस्त पशुओं में उनके संपर्क में आई समस्त पशुओं को अलग रखना चाहिए। गर्भपात इस बीमारी में पशुओं में गर्भपात होने से दूध का उत्पादन कम होने या नपुंसकता आने के कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। यह बीमारी जानवरों से मनुष्यों में भी होती है। इस बीमारी में मादा पशुओं का गर्भावस्था के 8-9 महीने में गर्भपात हो जाता है। नर पशुओं में नपुंसकता हो जाती है। यह नर पशुओं से मादा पशुओं में लैंगिक संपर्क से फैलता है। जो मादा पशु गर्भधारण नहीं करते हैं उनके स्थानों में सूजन आ जाती है। यह बीमारी एक साथ कई जानवरों को हो जाती है, इसलिए प्रत्येक पशु की जांच कराना जरूरी है। जानवर के गर्भाशय में सूजन आ जाती है और जड़ में मवाद पड़ जाता है, वह गर्भाशय से दुर्गंधयुक्त स्राव निकलता है। उक्त रोगों की रोकथाम हेतु पशुपालकों को उनके पशुओं के रुके दूध एवं खून की जांच समय पर करवानी चाहिए। गर्भवती गाय को प्रसव तक अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। सभी पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाव हेतु पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।